नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। खबर आ रही है विदिशा जिले के गंज बसोदा से। प्रस्तुत है इंडिया खबर लाइव संवाददाता एलन चौबे की एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के कार्यों में घटिया निर्माण कार्य का आरोप, जांच कराने की मांग की गई। जी हां, गंज वासुदा से ये खबर हमारे पास आ रही है। देश में संक्रमण के कारण जहां लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी देश का आर्थिक पहिया ना रुके, इसके लिए कुछ काम शुरू किए गए, लेकिन कुछ ठेकेदार केवल कुछ लाभ के लिए घटिया निर्माण कार्य कर रहे हैं। ताज़ा मामला ग्राम ओकायला से बांकागढ़ तक बन रहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आया है। योजना के सहायक प्रबंधक AU खान ने बताया कि 2.24 करोड़ की लागत से 4.2 किलोमीटर की सड़क के साथ एक पुल और बीच बीच में पुलियों का निर्माण होना है, लेकिन अभी संक्रमण के कारण नर्मदा सेंट नहीं आ रही है, इसलिए काली गिट्टी रेता का ही उपयोग करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की माने तो इस कार्य में प्रधानमंत्री सड़क के नाम पर घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है, साथ ही घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। इस मामले में अनुविभागीय अधिकारी प्रकाश नायक का कहना है कि कार्य की गुणवत्ता की जांच कराई जाएगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही उक्त कार्य में पाई गई तो निर्माण एजेंसी पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। विदिशा से इंडिया खबर लाइव के संवाददाता एलन चौबे की एक रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कितनी उम्र है आपकी? उम्र का पता नहीं है? यहाँ पे कौन का काम कर रहे हो आप? क्या समस्या गाँव की? सर, मेरा नाम बलवीर सिंह है, ग्राम बांकागढ़ रहने वाला हूँ। जो पुलिया बन रही है वो क्या? सर, उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा, मतलब जो कायदे को होना चाहिए था। कब तक भाई सर से काम कर रहा है वो? तो जो मटेरियल वो तो जो देख तो रहे अपने ऐसी चूल्हा में डाल रहे हैं, सीमेंट भी कम है वो तो, और अपन देख वो अभी देख के आया, अब देख तो रहे कितनी बोली सर आगे अपन वो जानकारी कहाँ जाके शिकायत कर लगे अपन, ये बोलो आप ठेकेदार का। सर आप हमको मालूम ही नहीं, ना जान ना चीनते ना पहचानते ना जान नाम जानते कौन ठेकेदार, काम तो घटिया हो रहा है। ये अगर ऐसी बात है कि वो गुणवत्ता पूर्वक काम नहीं कर रहे हैं तो इसकी जाँच कराई जाएगी, और अगर ये पाया गया कि उनके द्वारा किया गया कार्य सही नहीं है तो उनके खिलाफ़ वैधानिक कार्रवाई की।